देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। कोरोना देश में 24 घंटे में 6,396 नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में वैक्सीनेटेड लोगों में से केवल 5% को ही ओमिक्रॉन के कारण भर्ती कराना पड़ा। भागलपुर में बम विस्फोट में 7 लोगों की मौत। घर में पटाखा बनाते समय धमाका। बम डिस्पोजल और FSL की जाँच शुरू। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सरकार को पर्यावरण की चिंता। एनर्जी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ थीम पर वेबिनार को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। ऑपरेशन गंगा लाइन, 2 दिनों में 7,400 भारतीयों को वापस लाया जाएगा। वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर से लौटे 630 स्टूडेंट्स। यूक्रेन पर हमले का नौवां दिन। यूक्रेन में रूसी हमले से ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट में भीषण आग लगी। कीव में एक भारतीय छात्र गोलीबारी में घायल। पुतिन के मिशन यूक्रेन को झटका। कीव के पास मारा गया सेना का मेजर जनरल। यूक्रेनी स्नाइपर ने किया शूट। यूक्रेन पर रूसी हमले का चीन कनेक्शन। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा, चीन ने विंटर ओलंपिक खत्म होने तक यूक्रेन हमले को टालने को कहा। क्वाड नेताओं की वर्चुअल मीटिंग खत्म। पीएम मोदी ने कहा रूस और यूक्रेन को बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने की जरूरत। शेयर बाजार में भारी गिरावट। सेंसेक्स 800 पॉइंट्स टूटा। निवेशकों को 3,00,000 करोड़ का घाटा। एशियन पेंट 6% गिरा। आज से टेस्ट में भी रोहित योग। 22 साल बाद टेस्ट में भारत की फुल टाइम कप्तानी एक मुंबई कर करेगा। 2000 में सचिन ने छोड़ी थी कमान। भारत वर्सेस श्रीलंका, रोहित की धमाकेदार शुरुआत। एक ही ओवर में जड़े 3 चौके। कोहली को द्रविड़ ने सौंपी स्पेशल कैप। अनुष्का भी रही मौजूद। हम आए तुम्हें भी इंडिया लाएंगे। इंडिया लौटे स्टूडेंट्स ने यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए बनाया व्हाट्सएप ग्रुप। हर समस्या का कर रहे समाधान। प्रयागराज में ATM तोड़ने की कोशिश। कैश बॉक्स में थे 29,00,000 रुपए। कालिंदीपुरम की SBI ब्रांच में चोरों ने की वारदात। यूपी चुनाव लाइव। मिर्जापुर में पीएम मोदी, मल्हनी में मुलायम सिंह की रैली। वाराणसी में राहुल प्रियंका होंगे साथ। यूपी की बड़ी खबरें। मेरठ में दहेज में सेंट्रो कार और 5,00,000 न मिलने पर विवाहिता को घर से निकाला। देवर भी रखता था बुरी नजर। दाऊद से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस। नवाब मलिक की कस्टडी 7 मार्च तक बढ़ी। ईडी ने 1993 धमाकों से जुड़ा कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट अदालत के सामने रखा। जौनपुर में आ जाएंगे मुलायम सिंह यादव। लकी यादव के लिए करेंगे वोट की अपील। इसके पहले अखिलेश के लिए करहल में किया था प्रचार। मेरठ में शव दफनाने को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत। लोगों ने भाजपा नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। 23 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। अयोध्या में विकास व मंदिर निर्माण के बावजूद भाजपा मुश्किल में। राम मंदिर वाली सीट पर भाजपा के संकट ने तोड़ा RSS का अहंकार। जीत को लेकर संशय से किरकिरी। वाराणसी में तीखी धूप ने बढ़ाई गर्मी। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। बारिश का अलर्ट जारी। AQI गया 108 अंक पर। आप देखते रहिए टुडे 24 न्यूज़।